गया जिले के नगर निगम के कर्मचारियों ने नगर निगम स्टोर के समीप दैनिक मजदूरों व चालकों के समय अनुसार वेतन भुगतान न होने से आक्रोश में आकर विरोध किया है। कहा, हम लोगों को समय अनुसार वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है और पिछले साल कोरोना काल में भी वेतन भुगतान नहीं किया गया था, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है और आए दिन समय अनुसार वेतन भुगतान नहीं होता है। नगर निगम के वरीय कर्मचारी व नोडल अधिकारी के द्वारा दुर्व्यवहार व जलील करते हुए काम करने का आदेश अक्सर दिया जाता रहता है, जिससे दुख भरी पीड़ा मीडिया के समक्ष सुनाई और समस्या का निदान हेतु गुहार लगाई है। वहीं समाजसेवी रवि बर्नवाल ने मजदूरों को विरोध करते हुए देखा तो उनके पास जाकर परेशानियों को सुनकर निदान कराने का संकल्प लिया है। विराट 24 के लिए गया से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना काल का सफाई का पैसा दो, कोरोना काल का सफाई का पैसा देना होगा, कोरोना काल का सफाई का पैसा देना होगा। दैनिक कर्मचारी जो भी आज आक्रोशित हुए हैं, हम लोग 3 महीना से वेतन बाकी है और समय पर पैसा नहीं मिलता है। हम लोग का सैलरी भी बहुत कम है, उसके बावजूद भी सही समय पर पैसा नहीं मिलने के कारण हम लोग घर में बहुत तरह का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इन सब पदाधिकारी को आज से नहीं, हम लोग 11 वर्ष 10 वर्ष से यहाँ इस काम में मतलब जिसे कर रहे हैं, इसके बावजूद भी इस तरह का हमेशा हमारे साथ मतलब हम लोग के साथ होते रहता है। वेतन समय पर नहीं आने के कारण हम लोग को बहुत काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है। यूनियन के द्वारा कोई प्रयोजित हड़ताल नहीं है। ये जो यहाँ के ऐसे करप्ट अफसर हैं जिन्होंने निगम से रुपया कमा लिया है, खास करके दिनकर जी, आप इनका प्राइवेट प्रॉपर्टी देखिए, ये 5-7 बीघा जमीन खरीदे हैं। हाँ, और यहाँ पर देख रहा हूँ कि पूरा भीड़ है। हमने पूछा कि क्या बात का भीड़ है भैया, तो 3 महीना से सैलरी नहीं मिला, हम लोग नगर निगम के कर्मचारी हैं। हम जानना चाहते हैं नगर निगम से कि हम लोग का मकान का टैक्स अगर देरी होता है तो फाइन ले लेते हैं, हैं? और 3 महीना से जिन लोग काम किया है, 3 महीना पहले का मतलब है कि 46 डिग्री में जहां घर में बैठ करके जितने लोग थे ना, सब लोग एसी में बैठ के मजा लिए हैं, और यही कर्मचारी रोड पर काम किया और उसको 3 महीना का सैलरी का मतलब समझते हैं? आपके जैसा बैंक बैलेंस होता है क्या इन लोग के पास? 7,000-8,000 वाला सैलरी वाला आदमी केकरो मनियारी दुकान में पैसा बाकी होगा, कर्जा होगा, कोई सब्जी वाला के कर्जा होगा, कितना लोग के बच्चा के स्कूल फीस नहीं जमा किया होगा, है? और स्थिति है, अरे कितना तो इमरजेंसी अभी सी दवा अच्छी चल रहा है, कितना के बीमारी हो होगा जो दवाई वाला के पैसा बाकी होगा, ये सब कोई सोचने वाला नहीं है। यहाँ पर तो आदमी भैया अयासी में होता है, स्वच्छता अभियान के नाम पर लाखों खर्चा कर दी गया नचावे में गवावे में, अरे उससे पहले ही सब कर्मचारियों को पैसा दे देते।